subject general English in standard 6 unit number 11 framing question for given answer. तो ये वाला unit हम पढ़ाएंगे. उससे पहले हम समझेंगे question words how, why, when, where, who, whose, what, etc. are used by asking question. तो WH वाले हम word से question बनाते हैं. The auxiliaries am, is, are, was, where, has, have, had, will, do, does, did, etc. are also used by making yes, no type of a question. Yes or no type के हम question के answer जब देते हैं, तब ये वाले am, is, are, was, where, has, have, had, will, do, does, did, etc. are used by making yes or no type of question. Question होती है उसके answer में question बनाने में ये वाले use हम करते हैं yes or no type के. तो the question mark, तो ये वाला question mark used must be placed at the end of a question. तो question के बनाते हैं तो उसके end में ये वाला question mark हमें लगाना है. तो यहाँ पर exercise में दिया है मेक अ क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट. तो जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन बनाना है. यानी कि यहाँ पर आंसर दिया है उसका क्वेश्चन हमें बनाना है. तो वन नंबर इट इज 10:30 नाउ. तो ये आंसर दिया, ये स्टेटमेंट है, तो इसका हम क्वेश्चन बनाना है. तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट टाइम is it now, last में आएगा question mark. second number no she doesn't know English. तो ये statement दिया है answer के रूप में, तो हमें इसका question बनाना है. तो ये does है वो आगे आएगा, does she know English. तो last में हमें लगाना है question mark. third number he is suffering from typhoid. तो इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है, is he suffering from typhoid? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. फोर्थ नंबर वी गेट इट सो दैट वी मे लिव. तो हम खाना खाते हैं, जो हमारा जो लाइफ है उसके लिए हमें खाना जरूरी है. तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, why do we eat, हम खाना क्यों खाते हैं, why do we eat. लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. फाइव नंबर देयर आर सिक्स मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरी फैमिली में सिक्स मेंबर्स है, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, कितने मेंबर है. तो हाउ मेनी members in your family, तो answer इसका है there are 6 members in my family. तो student इस type से जो statement दिया है answer के रूप में इसके question आपको इस तरह से बनाने हैं. तो जो बाकी का है वो homework में आपको fill up कर